हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद में हर महिला को यह चिंता सताने लगती है कि उनकी सिजेरियन डिलीवरी होगी या फिर नॉर्मल डिलीवरी होगी। दोनों में से कौन सी प्रक्रिया बच्चे को जन्म देना सही और बेहतर विकल्प माना जाता है? आजकल के दौर में सिजेरियन डिलीवरी का ज़्यादा ही चलन हो गया है। माँ और बच्चे के स्वास्थ्य को देखते हुए इन दोनों प्रक्रिया में से एक प्रक्रिया को चुना जाता है। ये तो नॉर्मल डिलीवरी ही बच्चे को जन्म देना सही और बेहतर विकल्प माना जाता है। कई बार कई कॉम्प्लिकेशन को देखते हुए डॉक्टर शिशु के जन्म के लिए सीजेरियन का निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। नॉर्मल डिलीवरी एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया होती है। इसमें मां को बहुत ही असैनिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत। नॉर्मल डिलीवरी के बाद आप 24 या 48 घंटे में आप घर जाने के लिए सक्षम हो जाते हैं। अगर महिला की हालत ठीक रही तो जल्दी भी जाने दिया जाता है। सिजेरियन डिलीवरी में पेट का ऑपरेशन होता है, यानी पेट में चीरा लगा के शिशु को जन्म दिया जाता है, तो उनके जख्मों को भरने में थोड़ा समय लगता है। नॉर्मल डिलीवरी की एक ये भी फ़ायदा है कि डिलीवरी के लिए महिला के रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद माँ अपने बच्चे को तुरंत ही स्तनपान करा सकती है, लेकिन सिजेरियन डिलीवरी में ऐसा नहीं होता है। कभी कभी तो 2-3 दिन तक माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाती। योनि मार्ग से प्रसव के द्वारा ये संभावना रहती है कि योनि मार्ग से चारों तरफ की मांसपेशियों के कारण नवजात शिशु की पाए जाने वाली द्रव को निचोड़कर कम कर देती है, और यही उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। नॉर्मल डिलीवरी से बच्चे को सांस लेने की समस्या कम होती है और साथ साथ संक्रमण से भी बचा रहता है। तो फ्रेंड्स, चलिए जान लेते हैं कि सिजेरियन डिलीवरी क्यों होती है। फ्रेंड्स, सिजेरियन डिलीवरी होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे जुड़वा बच्चे का होना, या फिर बच्चे का आड़ा या तिरछा होना, या फिर डिलीवरी के समय तक बच्चे का हेड डाउन न करना। ये सारी ऐसे कॉम्प्लिकेशन होते हैं जिसमें सी सेक्शन की ज़रूरत होती है, वही संभव होता है, उसी से बच्चा को पैदा किया जाता है। सिजेरियन डिलीवरी के ये एक फ़ायदे हैं कि उसमें डेट और टाइम फिक्स किया रहता है, ताकि जो माँ होती है वो अपने बच्चे के लिए पहले से ही तैयारियाँ कर लेती हैं। अब जान लेते हैं सिजेरियन डिलीवरी के क्या क्या नुकसान हैं। तो फ्रेंड्स, सिजेरियन डिलीवरी में अगर आपकी होती है तो आपका 3 से 4 दिन अस्पताल में ही रुकना पड़ जाता है, और इसका पूरा घाव ठीक होने में 5 से 6 महीने लग जाता है। कभी कभी तो टांकों पे आपको महीनों से सालों तक भी दर्द रह जाता है। सिजेरियन डिलीवरी में मां के खून की कमी और इन्फेक्शन का खतरा रहता है। तो फ्रेंड्स, जितना हो सके आप सभी लोग नॉर्मल डिलीवरी ही करवाएं, क्योंकि सिजेरियन डिलीवरी सही नहीं होता है। और अगर बाद में कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ जाए, कोई समस्या आ जाए, तो आप सी सेक्शन करवा सकते हैं। और अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।